अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये है चिकन बिरयानी। बड़ी ही झटपट तरीके से तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इसके लिए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे सारे मसाले लगाकर। तो इसके लिए मैंने लिया है 800 ग्राम के करीब चिकन, और उसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून योगर्ट। जितनी देर में ये मैरिनेट होगा हम बाकी मसाला तैयार कर सकते हैं। तो योगर्ट ऐड करने के बाद हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा, और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है सॉल्ट। और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब लेमन जूस। तो ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे, और चिकन को लगाकर कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे। मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और इसके साथ अब मैं ले लूँगी 2 लार्ज साइज़ के टोमेटोस। इन्हें मैंने फाइनली स्लाइस किए इस तरह से, और इसके साथ ही मैंने कुछ इमली लेकर उसे भी पानी में भिगो दिया था। मैंने लिए हैं 8 से 10 बड़े साइज़ के ऑनियन, और इन्हें मैंने फाइनली स्लाइस किया है। पैन रख के इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल मैंने तकरीबन 1 कप के करीब लिया है, और इसमें हम डाल देंगे ऑनियन। तो इन्हें हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसमें साथ साथ हम स्पून लाजमी थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहेंगे ताकि एक ईवन सा कलर आ जाए। तो जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज होगा हम इसमें डाल देंगे होल स्पाइसेस। तो इन्हें भी फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टोमेटो। इन्हें भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि टोमेटो जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और मसाले में मिक्स भी हो जाए। कुछ देर के बाद ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। इन्हें हल्का सा स्पून की मदद से मैश कर देंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन में जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं, तो इसे डाल के हम कुछ देर के लिए इसे फ्राई करेंगे। आप भी इसी तरीके से बिरयानी बनाते हैं या आप कोई डिफरेंट रेसिपी यूज़ करते हैं मुझे भी ज़रूर बताएगा। यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए, या फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम दोबारा देखेंगे तो चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, और हम इसे कुछ देर के लिए अनकवर ही रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही अब हम राइस बॉईल करने के लिए पानी रख देंगे। तो इस पानी में आप चाहें तो साबुत गर्म मसाला या फिर मिंट लीव्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी क्योंकि खाने के दौरान वो मुँह में आए तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जस्ट मैंने इसमें राइस बॉईल किया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और थोड़ा सा ऑयल। तो राइस बॉईल होने के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी लेयरिंग के लिए। लेयरिंग के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से टमाटर, और थोड़े से मैंने लिए हैं लेमन स्लाइस, और मिंट लीव्स लिया है, और उसके साथ मैंने ग्रीन चिली ली है, और साथ ही मैंने लिया था फूड कलर। लेयर्स के लिए सबसे पहले हम चिकन की एक लेयर लगाएंगे, और उसके बाद हम चावल डालेंगे, नहीं तो चावल जो है वो नीचे लग जाते हैं। और यहाँ पर हमने चावलों की एक लेयर लगा दी, और उसके बाद हम डाल देंगे इन पे मिंट लीव्स, और इसके साथ लेमन स्लाइस, ग्रीन चिली, और इसके साथ साथ फूड कलर। दम लगाने के बाद इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। आप लोग अगर इस रेसिपी को फॉलो करें तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ये कैसी बनी और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी प्रोसेस को हम एक दफ़ा फिर से रिपीट करेंगे, यानी ऊपर फिर से मसाले की एक लेयर लगाएंगे, और उसके साथ ही उसके ऊपर चावलों की लेयर। तो इस तरह से लेयरिंग कर देने के बाद हमने फाइनल जो है उसमें टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे,
और उसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम पे। 10 से 15 मिनट के दम के बाद यहाँ पर चिकन बिरयानी जो है वो फाइनली रेडी हो गई है, और यहाँ पर हम इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि जो फूड कलर है वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाए और एक ज़बरदस्त सा कलर फाइनल में रेडी हो जाए। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और यहाँ पर ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी रेडी है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर भी करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।